Dear student, we have to discuss about the great leap of private kindergarten. We are about silent revolution of the EC in China, moving from the public kindergarten-dominated system to the private kindergarten-dominated system. So-called government retreat, but private sector advanced Policy was successfully implemented at the expenses of the poor. हम गुफ्तु कर रहे हैं उस साइलेंट रेवोल्यूशन की तरफ जहां से फेज़ वन में किंडरगार्टन गार्डन से स्विच ओवर हुए ए की तरफ और दूसरे नंबर पे ए शिफ्ट ओवर टूवर द एन और उसके शिफ्ट होने में जो गवर्नमेंट का रोल था वो एक मॉनिटरिंग का रोल रहा बजट जो है वो 1.3 से ले कम करके ज़ीरो पॉइंट सेवन की तरफ लेके आए इसी जो है वो एजुकेशन से रूल आउट हो गया और वहाँ पर मुख्तलिफ इशूज़ आने शुरू हो गए अब इस दौरान जब एक रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो माइग्रेंट आना शुरू हुए उन माइग्रेंट के आने से इसी की अवेलेबिलिटी जब ना हुई वहाँ पर बच्चों के लिए प्लेसमेंट नहीं थी तो ऐसी सूरत में प्राइवेट किन्नर गार्डन जो है वो वार से वजूद में आते हैं अब किंडरगार्टन गार्डन का रोल जो है वो हमें मालूम है कि किंडरगार्टन गार्डन का रोल यह लहदा है किंडरगार्टन गार्डन का रोल था चाइल्ड केयर का इसी का रोल था चाइल्ड डेवलपमेंट का और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो तीनों डायमेंशन में थी ईसी जो है वो एक एक्सपेंसिव जो समझ लें कि एक प्रोजेक्ट है और वो इस वाले से एक्सपेंसिव है कि उसके लिए ट्रेन टीचर चाहिए प्रॉपर करिकुलम चाहिए पैटोगजी चाहिए असेसमेंट चाहिए किंडरगार्टन गार्डन के अंदर चाइल्ड केयर है और कुछ नहीं है और चाइल्ड केयर की जो हम बात करते हैं तो चाइल्ड केयर के अंदर सिर्फ उसकी न्यूट्रिशन आ जाएगा बैलेंस डाइट आ जाएगी या शेल्टर आ जाएगा तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम चाइना के अंदर आया वो ये आया कि ये जो रेवोल्यूशन था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये उसकी वजह से जो साइलेंट माइग्रेंट रेवोल्यूशन आया उस रेवोल्यूशन से जो प्राइवेट किन्नर गार्डन ने जन्म लिया तो लास्ट टू डिकेड्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है वो डोमिनेंट हो गया और इसी जो है इसी की जो मैनेजमेंट थी उसके मुकाबले में किंडरगार्टन गार्डन प्राइवेट किंडरगार्टन गार्डन जो है अगरचे उसने उस स्पेस को तो पूरा किया जिसके हम एग्ज़ाम्पल दे रहे थे पहले भी हमने एग्ज़ाम्पल उसके ऊपर है कि जी 150 बच्चे हमारे पास मौजूद हैं और 120 की स्पेस है इसी के अंदर तो 30 बच्चे जो मौजूद हैं उनको प्राइवेट किंडरगार्टन ने कैटर तो कर लिया लेकिन कैटर करने के साथ जो प्रॉब्लम आया वो ये आया कि एक तरफ तो एक फेज में एक ही जगह के ऊपर सिटी एक्स के ऊपर 120 बच्चा जो है वो इसी का तैयार होके आ रहा है स्कूल के अंदर 30 बच्चे वो हैं जो प्राइवेट किंडर गार्डन की तरफ से आ रहे हैं जब एजुकेशन में आए तो यहाँ पे एक डाइवर्सिटी को फेस करना पड़ा ये हमारे आगे चैलेंजेस हैं उनके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे तो बुनियादी तौर पर जो बेस थी दो अलहदा बेसिस आ गई देखें एस टी जी के अंदर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जो है जो दावा किया गया था वो तो ये किया गया था कि हमारा डिवेलपमेंटल प्रोसेस और स्किल का प्रोसेस इसी ई से शुरू होगा अब देखें चंद साल इसी ई के हैं जहाँ पे बच्चे ने ट्रेनिंग ली और उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस शुरू हुआ हुआ है वो चंद साल प्राइवेट किंडरगार्टन गार्डन के हैं जहाँ पे चाइल्ड ने सिर्फ यू समझने के एक बैलेंस डाइट ली न्यूट्रेंट को सामने रखा गया अब इन दोनों ने दोनों दो फेज से आने वाले जो बच्चे थे अब ये जब नेशनल एजुकेशन में जब आए तो वहाँ पे मुख्तल प्रॉब्लम्स और शुरू हो